hello everyone welcome back to my channel class 7th with me i am gauri and today we will continue our chapter 17 of science forest our lifeline para this interdependence between plants and animals every plant and animal in the forest has its rightful place ईच प्लेज अ स्पेसिफिक रोल्स एंड शेयर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद अदर्स जो हर प्लांट और एनिमल है उसका एक राइटफुल प्लेस है फॉरेस्ट में और हर एक आ, हर एक एनिमल और प्लांट स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और शेयर करता है एक दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ. तो सबसे पहले है इसमें प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स दोवाइड प्लांट दीट द्व दोवाइड प्लाट्स दिट टू कंडक्ट फोटो सिंथेसिस जो सन है वो प्रोवाइड करता है हीट प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करने के लिए प्लाट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड एंड एनर्जी जो प्लांट्स uh, है, हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि वो फूड और एनर्जी को प्रोड्यूस uh, करते हैं अदर देन प्लांट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर एनर्जी प्लांट्स के अलावा जो भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो सारे कंज्यूमर्स है क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और डिपेंड होते हैं प्लांट पर फूड और प्लांट पर डिपेंड होते हैं हैं उनके सॉरी प्लांट पर डिपेंड होते हैं फूड और एनर्जी के लिए वर रेबिटी द आंसर ऑफ कोर्स इज प्लांट रेबिट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट क्या खाती है तो इसका आंसर ऑफ कोर्स क्या है प्लांट्स सो so इसलिए रैबिट को क्या बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर द प्राइमरी कंज्यूमर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट इट एनर्जी ओनली आर प्राइमरी कंज्यूमर है एक ऐसा ऑर्गेनिजम है जो अपनी एनर्जी को डायरेक्टली प्लांट से लेता है जो एनिमल्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो गेट एनर्जी करते हैं सिर्फ प्लांट्स है, उनको क्या बोलते हैं हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हर्बीवोरस और जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं देयर आर सम एनिमल्स लाइक लोयन दैट कैन ओनली ईट एनिमल्स सच आर कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल्स uh, खाते हैं जो एनिमल सिर्फ एनिमल खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस देर आर एनिमल एंड ह्यूमन विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एनर्जी एंड आर कोल्ड का ओमनिवरस जो दोनों प्लांट्स और एनिमल खाते हैं एनर्जी लेने के लिए उन्हें बोलते हैं ओमनिवरस कार्निवरस और ओमनिवरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं फाइंड आउट वट डू क्रोस एंड बियर्स ईट यह आपके लिए क्वेश्चन है तो वल्चर एंड मतलब मेरे लिए भी वल्चर्स काइड्स एंड ईगल आर स्क्वेंजर्स दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड द टेरिटरी कंज्यूमर्स जो वल्चर्स होती हैं काइड्स होते हैं ईगल्स होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं स्क्वेंजर्स uh, क्योंकि वो डेड एनिमल्स और प्लांट्स पर फीड करते हैं इसलिए उन्हें बोलते हैं टेरिट्री कंज्यूमर उसके बाद है डी कम्पोजर्स टेक ओवर फ्रॉम वेयर द स्क्वेंजर लीव ऑफ जो डी होते हैं स्क्वेंजर ने खा के बचा कुछ मतलब जो थोड़ा बहुत बचा कुछ रह गया वो डी खा लेते हैं टेक ओवर कर लेते हैं ब्रेकिंग ब्रेकिंग डाउन डाउन डेड एंड मैटर दे हेल्प प्लांट्स गेट इनिशियल न्यूट्रिय एंड क्लियर द नेचुरल वेस्ट नेम सम सम्पोजर जो डी वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को जो हेल्प करती हैं प्लांट को इनिशियल न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए और नेचुरल वेस्ट को क्लीन करने के लिए नेम सम्पोजर्स और फूड चेन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल इन अ सर्टेन हैबिटेट एंड द फू फूड द ईट जो चेन है जो फूड चेन है वो एक रिलेशनशिप शो करती है किसके बीच में एनिमल्स के बीच में और फूड दे ईट के बीच में शो करती है एक रिलेशनशिप इट इज अ चेन दैट शो हुम ये एक चेन होती है जो बताती है किसने किसको खाया एनर्जी थ्रू फूड चेन जो एनर्जी है वो फूड चेन के द्वारा ट्रांसफर होती है देर आर मेनी स्टेप्स इन फूड चेन एक फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं प्रोड्यूसर मेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिंपल फूड चेन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे पहला स्टेप बनाते हैं एक सिंपल फूड चेन में कंज्यूमर आर द नेक्स्ट लिंक इन द इनर फूड चेन जो कंज्यूमर्स है वो आगे आगे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टेरेटरी ये सब हैं आगे आगे ये कंज्यूमर एक दूसरे को लिंक करते हैं द एनिमल एंड एट द एंड ऑफ द वेरियस फूड चेन आर कोल्ड टॉप कंज्यूमर और टॉप कार्निवर्स जो एनिमल्स सबसे एंड में होते हैं सब फूड uh, चेन्स के उन्हें क्या बोलते हैं टॉप कंज्यूमर्स और टॉप कॉर्निवर दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर एज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स उन्हें प्रीडेटर भी कहा जाता है प्रीडेटर होता है प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी जो एज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स जो अपने सॉरी uh, जो अदर एनिमल्स का शिकार करते हैं द एनिमल इज हंटेड इज कॉल्ड द प्रे जो एनिमल हंट हुआ है मतलब पकड़ा गया है या फिर खाया गया है या फिर कुछ भी उसको क्या बोलते हैं प्रे प्रे मतलब शिकार कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन तो हमारे पास एक फूड चेन है यू कैन सी सबसे पहले है इसमें ग्रास जो है एक प्रोड्यूसर उसके बाद है इसमें ग्रास होपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर उसके बाद है इसमें एक माउस जो है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड उसके बाद है इसमें एक होक जो है टेरिटरी कंज्यूमर तो कि आपको क्या पता है कि कितने फूड चेन में स्टेप्स होते हैं नेम द प्रोड्यूसर द द गिवन फूड चेन हाउ मेनी कंज्यूमर आर देर इन टोटल विच इज द टॉप कंज्यूमर हेयर देयर इज एक्चुअली मोर टू दिस चेन मतलब कि इससे भी आगे बहुत फूड मतलब इससे भी आगे और फूड चेन होती है मतलब जैसे होक तक हो गया उसके बाद जब एक होक मरता है मतलब एक चील या फिर बाज मरता है तो जो डिकम्पोजर्स है वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड रिमेन्स के हो मतलब होप के डेड रिमेन्स को और उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज इनटू द सोयल जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोयल में रिलीज होते हैं दीज न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद वाटर एंड सनलाइट हेल्प द ग्रास टू ग्रो जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सनलाइट और वाटर के साथ मिल ग्रास को ग्रो करने में हेल्प करते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज अब एक्टिविटी इन नेचर यू फाइंड मैनी फोर्च ओपरेटिंग बाई अड और अर्ड मतलब कि एक ग्रास होपर सिर्फ एक लिजर्ड से ही नहीं खाया जाता मतलब सिर्फ उसको ही नहीं खा सकती बर्ड भी खा सकती है सिर्फ बर्ड ही नहीं खा सकती भी खा सकती है बट दट बर्ड इज ईटन बाय अ स्नेक और बियर मतलब कि जो उसके बाद जो बर्ड है वो स्नेक या फिर बियर के द्वारा खाई जाती है लेकिन जो बियर है वो प्लांट्स भी ईट कर सकता है इस नेटवर्क इंटर इस इंटरनेट इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क की फूड चेन को फूड वेब कहते हैं हेयर इज अ पिक्चर ऑफ फूड वेब इन अ फॉरेस्ट राइट डाउन ऑल द फूड चेन इन द गि फूड वेब मतलब एक ये पिक्चर है फूड वेब की forest, एक, एक, फोरेस्ट फॉरेस्ट में जो फूड वेब होते हैं इन सब में इन सब फूड वेब में फूड चें के नाम लिखे सो दिस इज फिगर पॉइंट सेवनटीन पॉइंट सेवन सो दिस इज द फिगर सो नेक्स्ट इज इफ स्टडी दूड चेन उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी है हमें इस फूड चेन को uh, देखना है मतलब, प्लांट्स डियर टाइगर मतलब डियर प्लांट्स को खाते हैं फिर टाइगर डियर को खा लेते हैं वट डू यू थिंक वट विल है डियर इन फॉरेस्ट आर किल्ड Uh, क्या आपने सोचा है कि अगर एक फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में अगर सारे डियर्स हैं वो मर जाएं तो क्या होगा सो so, अगर डियर मर जाएंगे वैसे ही टाइगर भी मर जाएंगे इनके एनिमल्स की डेथ होने से डिकम्पोजर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें राइज होने लगेगा उस एरिया में देन इज प्लान्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एनिमल्स जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को प्लांट्स हेल्प मेंटेन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमोसफेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिथिसिस दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई द प्लांट एंड गिव आउट ऑक्सीजन जो प्लांट हैं वो मेंटेन करके रखते हैं ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट एटमोसफेयर में जब प्रोसेस हो रही होती है फोटोसिंथेसिस की तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं मतलब देते हैं फॉरेस्ट आर ऑल्ड द रंग्स ऑफ अर्थ एज दे गस एक्सचेंज जो फॉरेस्ट है उन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है क्योंकि वो गैसेसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं सो दिस दिस लाइन शुड बी केप्ट इन द माइंड जो वो मतलब लंग्स ऑफ द अर्थ क्योंकि वहाँ पे जो लंग्स है वहाँ पे रेस्पिरेशन वगैरह की चीज़ होती हैं सो फिर फॉरेस्ट भी हमें गैस देते हैं गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं उसके बाद है एनिमल गेट्स शेल्टर फ्रॉम प्लांट्स अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स लोयंस टाइगर एलिफेंट मंकी बियर जैकल एंड इनसेबिट द फॉरेस्ट जो ये वेराइटी ऑफ एनिमल्स होती है जैसे कि लोयंस टाइगर्स लेपर्ड्स ये सब ये मतलब कि फॉरेस्ट वगैरह में ही रहते हैं सो so, ये इनके लिए इनका शेल्टर है इनकी छत द प्लांट्स प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू डीज एनिमल्स जो प्लांट्स है वो एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है इन एनिमल्स को दे एन्श्योर दैट फूड इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ्टी टू द एनिमल्स वो एन्श्योर करते हैं कि जो फूड है वो बहुत सारा अवेलेबल हो प्लेंटी फूड अवेलेबल हो और वो प्रोवाइड कर सके शेल्टर और सेफ्टी एनिमल्स को प्लांट्स प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमंस जैसे जो प्लांट्स प्लान्ट वो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं ह्यूमन को जैसे कि फ्यूल वुड टिम्बर पेपर बैम्बू एंड कैन और हम उनसे कुछ असेंशियल ऑयल भी लेते हैं ऑयल्स भी लेते हैं जैसे मतलब बहुत असेंशियल चीज़ें भी लेते हैं जैसे कि ऑयल्स टैनन्स रेसेंस गम्स मेडिसिन स्पाइस वैक्स रबर डाइज एंड कोक फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स इन फॉरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेते हैं जैसे कि फिगर से पेज नंबर टू हंड्रेड वन पेज सेवेंट सेवेंटीन पॉइंट एट फिगर में है वुड uh, लेते हैं हम बैम्बू लेते हैं और स्पाइसेस लेते हैं रबर लेते हैं उसके बाद है प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू वो भी एनिमल्स uh, पर डिपेंड करते हैं हेयर आर वेज मतलब कुछ वेज हैं जिसमें बेनिफिट मिलता है प्लांट्स को एनिमल्स पे से जैसे कि एनिमल हेल्प इन पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल जैसे कि एनिमल्स है जो हेल्प करते हैं में में. Insects, insects, and, uh, bats, पोलिनेशन में और सीड डिस्पर्जल में द नंबर ऑफ इंसेक्ट जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट बर्ड एंड बैट्स ये सब पोलिनेशन में हेल्प करते हैं बटरफ्लाइज बीज वेब्स एंड जो ह्यूमिंग बर्ड्स हैं वो स्पेश इम्पोर्टेंट एजेंट हैं पोलिनेशन की एनिमल्स आर ऑल्सो एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल एज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू कैरी इन द प्रोसेस कैरी द सीड्स ऑफ प्लांट्स टू वेरियस प्लेसेज जैसे कि एनिमल्स भी हेल्प करते हैं सीड डिसपर्जल में जैसे कि वो मूव करते हैं एक दूसरे से एक वन प्लेस से दूसरे से कैरी उनके साथ सीड्स को कैरी करके टू वेरियस प्लेसिज मतलब बहुत सारे प्लेस पर और जहाँ वो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है सो वो वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स नाउ यू नो दैट ऑल द प्लांट्स आर एनिमल्स आर इंटर डिपेंडेंट ऑन मन अनादर देयर इज़ अ वेरी डेलीकेट ऑपरेटिंग इन नेचर जैसे कि अब आपको पता लग गया है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट हैं मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा डेलीकेट बैलेंस बना के रखते हैं नेचर में इफ़ फॉर एनी रीज़न द प्लाट्स आर डिस्टर्ब इड विल है एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट अगर किसी भी किसी भी रीज़न से अगर प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर डिस्टर्ब होते हैं सो वो एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा इन्वामेंट पे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन जो अब जो फॉरेस्ट है वो क्लियर हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रैपिड रेट रेट पर मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी से सो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज अ डिफॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट uh, का क्लीन होना मतलब कि फॉरेस्ट का कटना उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलैरिटी पॉपुलेशन हैज़ बीन अ प्राइमरी कॉज ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्शन लैंड टू लिव ऑन एंड मोर प्रोडक्ट टू कंज्यूम जो ह्यूमस uh, जो uh, की पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है ये एक प्राइमरी कोज है फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का क्योंकि उन्हें लैंड चाहिए होती है ज़्यादा अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड भी चाहिए होगी ज़्यादा रहने के लिए और मोर फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगे ज़्यादा यूज़ करने के लिए सो so, क्या क्या इनके होते हैं द लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉइड फॉर लॉगिंग वुड्स मतलब वुड्स के लिए ज़्यादातर जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जाते हैं फॉरेस्ट आर ऑल्सो हैविली डैमेज बाई हैवी मशीनरी यूज टू पेनीट्रेट द फॉरेस्ट एंड बिल्ड रोड्स मतलब कि फॉरेस्ट इसके लिए भी हा ज्यादा हार्मफुल हो रहे हैं जैसे कि जो हैवी मशीनरी है वो यूज़ की जाती है पेनीट्रेट करने के लिए फॉरेस्ट को और वहाँ पे रोड बनाने के लिए द फेलिंग ऑफ वन ट्रीट इयर्स डाउन विद इट क्लाइंबर्स क्रीप्स एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग नियर बाय जो फेलिंग ऑफ एक ट्री है वो टीयर्स डाउन करता है विद इट द क्लाइंबर्स क्रीपर्स एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग नियर मतलब जो प्लांट्स के आगे ग्रो करते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं बेले होती हैं क्रीपर्स जो नीचे बेले हो लगी होती हैं उसको मतलब एक अगर ट्री कटता है तो uh, उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं स इन रिमूवल ऑफ फॉलन ट्रीज आर ऑल्सो लोड ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द फॉरेस्ट जो केयरलेसली जो फोलन किए जा रहे हैं ट्री को वो भी एक डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट की आ, मतलब फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का एक कोज है मतलब फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का ये एक तरीका है फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने का द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कट डाउन टू क्रिएट स्पेस टू ग्रो बनाना पाम ऑयल शुगर केन टी एंड कॉफ़ी जो फॉरेस्ट है वो किसपेस uh, क्रिएट uh, करने के लिए भी करे जाते हैं जहाँ पे बनाना वगैरह पाम ऑयल शुगर के टी और कॉफी लगाने के लिए वो कट हो रहे हैं ट्रीज आर कट डाउन फॉर फ्योर वुड दैट इज यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग मतलब फ्यूल वुड के लिए भी जो ट्रीज हैं वो कट हो रहे हैं कुकिंग और हीटिंग करने के लिए तो बिल्ड हाइड्रो आ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हंड्रेड ऑफ़ थाउजेंड ऑफ ऑफ़ फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड मतलब कि डैम्स वगैरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं जो आ, वो भी, बिल्ट करने के लिए जो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा हेक्टर्स में फॉरेस्ट हैं वो कट किए जा रहे हैं देन नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन कि अगर फॉरेस्ट हैं जो डिसअपियर हो जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा सो फर्स्ट पॉइंट इज फेलिंग ऑफ ट्रीज इन विल डिस्टर्ब द ऑक्सीजन साइकिलीज ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एय लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज दीज गैसेजर्व हीट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स जो ये लार्ज ट्रीज हैं ये डिस्टर्ब करेंगे ऑक्सीजन साइकिल को जो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर देगा सो so, जो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देगा उसको भी पैदा कर देगा एज दीज uh, क्योंकि ये जो है ये हीट और इंक्रीज द टेम्परेचर सो ये गैसेज uh, हैं ये हीट uh, और टेम्परेचर uh, को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे सराउंडिंग में नेक्स्ट पॉइंट इज वी विल एबल टू टेन प्लांट प्रोडक्ट हम प्लांट्स प्रोडक्ट uh, नहीं ले पाएंगे इट कोज सोयल इरोजन इन लार्ज क्वान्टिटीज मेकिंग द सोयल बैरन द सारे डेजर्ट पॉइंट

एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफॉरेस्टेशन के कारण जो एक लश ग्रीन फॉरेस्ट है वो एक डेजर्ट बन गया नेक्स्ट इज ट्रीज होल्ड जो ट्रीज है वो सोयल को अच्छे से जगड़ के रखते हैं लेकिन जब ट्रीज फेल होंगे वहाँ पर लैंड स्लाइड्स और फ्लड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। फेलिंग ऑफ ट्रीज़ जो आ, आ, जो ट्रीज़ की जो फेलिंग है मतलब कि वो आ, उसको भी इफ़ेक्ट करती है ड्रेन को भी इफ़ेक्ट करती है जो ड्रोट में बहुत ड्रोट के बहुत ज़्यादा सीवर सरकमस्टांसिस बना देती है ड्रोट मतलब होता है सूखा जहाँ पर सूखा पड़ जाता है उसको बोलते हैं ड्रोट नेक्स्ट इज़ एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट विल लोज देयर हैबिटेड जो एनिमल्स uh, फॉरेस्ट में रहते हैं वो अपना घर खो देंगे वी कैन कंक्लूड दैट द फॉरेस्ट इज डायनमिक सिस्टम जो हम एक इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो डायनमिक सिस्टम है फुल ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी सब की ये ड्यूटी है कि हम इस नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करके रखें uh, आपको क्या लगता है कि और क्या कंक्युेंसेज uh, हो सकते हैं फॉरेस्ट uh, के डिस्ट्रक्शन के और क्या कॉन्सिकुंसेस हो सकते हैं सो राइट डाउन एंड पुट अप चार्ट इन क्लास सो दिस इज सो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट टिल दिस सो सो so, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस दिस वीडियो अब बिग थम्स अप शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर स्टडी अपडेट्स आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल टेक केयर एंड बाय बाय